हम जानते हैं ना, इतना भड़का था जब हमने इतने आने की बात उसको बताई थी तो आसानी से मानेगा नहीं वो। ठाकुर विक्रम सिंह के मुंह से पहली बार नहीं हो सकता सुन रहे हैं हम। अपने आप से तो नहीं आएगा वो, लेकिन अगर उसके मामा जी को कुछ हो जाए तो शायद खुद को रोक भी ना पाए। मतलब? मतलब हम समझ गए चाचा। आया हेलो हेलो कुंवर आदित्य। हाँ हम कु बोल रहे हैं। हाँ, वो बहुत बुरी खबर है। वो विक्रम भैया ना हवेली के छत से नीचे गिर गए और उनके पैर में ना बहुत चोट आई है। आप जल्दी आइए प्लीज प्लीज। अब आ जाएगा वो। और रामसुख भैया थोड़ी दाल दे दो, थोड़ी सी। अकेले चावल कैसे खाया जाएगा, परेशानी है थोड़ा समझ लो। गुलाबिया परेशानी समझ समझ के तो अभी तक के इतना उधार दिया है, लेकिन अब जो तुम्हारे घर और परिवार के जो हालात है ना, उसे अगर हम ही सब समझते रहे तो हम तो खुद ही परेशानी में हो जाएंगे। ना ना अब और नहीं। जो भी मांग रही है इसे दे दे और हिसाब हवेली के खाते में लिख लेना। जी। तुम्हारे आप ठाकुर मालिक भेजे हैं? दाल दे दे इसे। जा गुलाबिया दाल के पैकेट ले ले। आभार कीजिए गम को हमारा। वैसे हम कछु लेते नहीं पर बहुत परेशानी थी। हम उनसे मिलने आने वाले थे, उनसे कहिएगा अगर बखत मिले तो। ठाकुरायन देवी ने दाल भिजवाई थी। ठाकुरायन देवी इसकी कोनो जरूरत नहीं थी। जरूरतें ना बड़ी होती तो इस तरह हवेली के दरवाजे पर मांगने ना पहुंचती तुम गुलाबिया। हम जानते हैं और तुम भी जानती हो कि हमारी हवेली की जूटन से तुम्हारे यहाँ तुम्हारे पेट भरने से लेकर के भगवान को भोग लगाने तक सब होता है, लेकिन इसके लिए ठाकुर साहब के आगे तिरिया चरित्र दिखाने की कोनो जरूरत ना है। जितना पैसा चाहिए हमसे मांग लिया करो, हमें कछु नहीं चाहिए। जय का आकर दिखा रही है तुम और तुम्हारी वो कीड़ा फसल मौड़ी। माँ बेटी पिली पड़ी है दसों दिशाओं में कि जहाँ पकड़ मिले वहीं लटक जाएं। पहले हमारे बेटे के साथ बदमाशी की और अब ठाकुर विक्रम सिंह को लपेटने लगी है।